अध्याय 15 हाइड्रोकार्बन। अध्याय रासायनिक आबंधन में हमने हाइड्रोजन और अन्य तत्वों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों के बारे में पढ़ा है। अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना तथा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना सहसंयोजी यौगिक है। क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने सहसंयोजी यौगिक कौन कौन से हैं और ये क्या कहलाते हैं? इनमें से कुछ मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन आदि हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि हाइड्रोजन के साथ एक या दो यौगिक ही बनाते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करें कि आखिर कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है। 15.1 श्रृंखलन कैटिनेशन। मेथेन कार्बन का सरलतम यौगिक है। इसका अणुसूत्र CH4 है तथा संरचना सूत्र इस प्रकार है। मेथेन की संरचना C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। यहाँ कार्बन के एक परमाणु ने हाइड्रोजन के चार परमाणुओं से आबंध बनाया है। यदि हम मेथेन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा दें तो हमें CH3 प्राप्त होगा। CH3 को मेथिल समूह कहा जाता है। मेथेन के एक हाइड्रोजन को मेथिल CH3 समूह से प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा? हमें चित्र में दर्शाया अणु प्राप्त होगा। एथेन की संरचना C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। एक हाइड्रोजन परमाणु का मेथिल समूह से प्रतिस्थापन C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यह एथेन है जिसका अणुसूत्र C2H6 है। एथेन से भी हम एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें जो अणु मिलता है उसमें तीन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तीन कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार हम श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाकर उसे और लंबा कर सकते हैं। तत्वों का यह गुण जिसके द्वारा उसके परमाणु आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं श्रृंखलन कहलाता है। कुछ सीमा तक सल्फर तथा सिलिकन भी श्रृंखलन दर्शाते हैं, किंतु इनकी श्रृंखला छोटी होती है। केवल कार्बन ही लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम है। कार्बन में श्रृंखलन का एक कारण यह है कि वह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी प्रबल आबंध बनाता है। श्रृंखलन के इस गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है।